वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे दो क्लास फेलोज आज मेरे साथ मौजूद हैं, अनाया और अब्दुल वहाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अब्दुल वहाब, आप ठीक हैं? ठीक। वेरी गुड यार, ये बड़ा एक्शन है। जो अनाया, कितना खूबसूरत कलर है ना अब्दुल वहाब की जी। जो ऐनक है उसका जी। इसके अंदर शीशे भी हैं या ऐसे? शीशे मुझे लग रहा है। पक्की बात है यार, इतने क्लियर है। ऐसे हाथ लगा के देखो, अंदर से खाली तो नहीं है? ओ है, अच्छा गुड। अनाया कैसी हैं आप? मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। भाई आज अनाया और अब्दुल वहाब मुझे बताएंगे कि इनके फेवरेट एनिमल्स कौन से हैं। अब्दुल वहाब से पहले पूछते हैं जी। अब्दुल वहाब, टाइगर और काऊ। काऊ और टाइगर, वेरी गुड। टाइगर होता है उसकी स्पीड, अगर हम उसको पकड़ने जाते हैं तो वो इतनी स्पीड में जाता है, हम उसको पकड़ ही नहीं पाते। जैसे कोई जानवर इतनी तेजी से भाग के आता है जंगल में, टाइगर को पकड़ना जाता है तो वो जैसे टाइगर इतनी घूम घूम के जानवर को खुद ही खा जाता है। Exactly. और आपका कौन सा फेवरेट एनिमल? मेरा फेवरेट एनिमल किटन है। किटन? हाँ, ये कौन सा एनिमल होता है? मैंने तो कैट सुना था, किटन क्या होता है? किटन वो, मैं खुद बता देता हूँ, किटन कैट के बच्चे होते हैं। किटन कैट के बच्चे होते हैं ना? जी। ऑलराइट, तो जो किटन होता है तो वो फिर कुछ अरसे के बाद कैट बन जाती है जी। तो फिर वो आपको अच्छी लगती है? सिर्फ किटन अच्छी लगती है? मुझे किटन और कैट दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं। आपने रखी भी कोई कैट? नहीं नहीं। ओके, अच्छा भाई अब आपको मैं ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। है अब्दुल वहाब, स्टोरी सुनी आपने अब्दुल वहाब? मैं आपको देखा टीवी पे, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये शर्ट कैसी लग रही है ना, बड़े फिट लग रहे हो जगह, वो देखो। ओए होए, बड़ा सीन है भाई अब्दुल वहाब का। आहा हा, और जो सीरियसनेस है ना चेहरे के ऊपर, ऐसे है ना। अच्छा भी एक थी ना, एक थी किटन और एक थी उसकी मामा यानी कि कैट। तो किटन जो है ना वो बहुत शरारती थी, है अब्दुल वहाब? वो कभी इधर से छलांग लगाए, कभी किटन शरारती भी होती है ना शरारती। तो फिर क्या हुआ, शरारती किटन ने क्या किया, एक दिन उसने क्या किया कि वो गई, उसने फ्रिज खोला। और किटन फ्रिज खोल सकता नहीं? ये स्टोरी तो यहाँ पे तौसीक अंकल की फ्लॉप जा रही है इस पर, है ना जी। फिर क्या किया किटन ने, अगर फ्रिज नहीं खोला तो? अब्दुल वहाब क्या किया? किटन फ्रिज खोल नहीं पाती ना, तो किटन ने खाने का बाउल गिरा दिया। खाने का बाउल गिरा दिया। और जब मामा कैट आई तो उन्होंने कहा ये किसने बाउल गिराया है, ये चिकन सारा किसने गिराया? तो फिर किटन ने किटन का, मैंने नहीं गिराया यानी कि किटन ने झूठ बोला। तो फिर मामा तो मामा होती है, मामा ने कहा कि इस घर में तो कोई आया नहीं है, तो ये किचन नहीं गिराया। फिर मामा ने कहा तुमने झूठ क्यों बोला। फिर क्या हुआ अब्दुल वहाब? फिर मामा ने फिर से किचन को डांटा, फिर से डांटा किचन को। और फिर क्या हुआ? और फिर उसके बाद किचन जो अपने रूम में चली गई और वो सो गई क्योंकि उसको डिटेंशन मिल गई थी। कभी ज्यादा हम गंदे काम करते हैं ना, कभी मामा से ड्यूटी भी मार खा लेते हैं। वेरी गुड, यस, ये वाली मामा होती है जो जूते बहुत मारती है। इधर आओ, ठहर जाओ अब्दुल वहाब, मैं बताती हूँ तुम्हें, है ना। अच्छा अब्दुल वहाब, आपको मामा से डांट ज्यादा पड़ती है या बाबा से? मुझे किसी से क्योंकि अब्दुल वहाब इज अ गुड बॉय और अनाया शरारतें करती है मुझे लगता है। नहीं, अच्छा अच्छा, वो किटन जो सो गई थी फिर वो उठ गई है अब, फिर क्या? मैं उसको डिटेंशन में ली थी तो वो सुबह स्कूल नहीं गई थी। फिर किटन को डिटेंशन मिली और किटन को ये पता चला कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए जी। है ना जी, बिल्कुल। और ये किटन जो है ना ये बड़ी शरारती थी, फिर उसके बाद किटन ठीक हो गई और उसने अंदर कभी झूठ नहीं बोला। आप कुछ कह रही है बताइए? नहीं। अच्छा अच्छा भाई अब्दुल वहाब, ये बताओ कि स्कूल खुल गए कि नहीं अभी? आप स्कूल जा रहे हैं आजकल? नहीं, बंद हो गए फिर से। फिर से बंद हो गए? मैं तो जा रही हूँ स्कूल। आप स्कूल जा रही हैं? मैं कल गई थी। डैडी डैडी के पूरे 50,000 चले गए। ₹6 लाख डैडी के पास तुम्हारे? वेरी गुड, तो तुम डैडी से मांगो ना थोड़े से पैसे, हम भी सैर शेयर करके आते हैं। नहीं, मैं नहीं उनसे मांगता। अच्छा, तो ये और मामा मांगती होंगी ना डैडी से 6 लाख रुपए? नहीं, डैडी उनसे सारे पैसे मांग लेते हैं, सबसे डैडी सारे पैसे मांग लेते हैं। मामा से भी, अम्मी से भी, अब्बू से भी। अम्मी अब्बू को पैसे देती है शॉपिंग करने के लिए, अब्बू जाते हैं और वैसे
अब्बू को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो वैसे अम्मी को वापस कर देते हैं उनके पैसे। जो डैडी होते हैं वो जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं उनको पैसे मिलते, वो अम्मी को एक 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 देते भी नहीं है। ओके, इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। अच्छा, फिर क्या होता है? अब्दुल वहाब को कौन शॉपिंग कराता है, मुझे ये बताओ। डैडी कराते हैं। शायद डैडी सरप्राइज कर रहे हो, शायद डैडी सरप्राइज कर रहे हो, कोई मजे की चीज लेके आ रहे हो। भाई 6 लाख रुपए हैं डैडी के पास, ये तो अब्दुल वहाब ने आज बड़े मजे की हमें खबर सुनाई। आपको शॉपिंग कौन कराता है? मेरी मामा और बाबा दोनों। और ये इतना खूबसूरत ड्रेस ये किसने चूज किया था? मैं बताऊँ ये किसकी सिलेक्शन है? मुझे लगता है ये अनाया ने खुद सिलेक्ट किया। नहीं, किसने किया? मम्मा ने। ब्यूटीफुल। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? येलो और पिंक। येलो एंड पिंक। वैसे आपको पता है वो कौन सा कलर बनाते हैं? कौन सा? पीच। अच्छा, येलो और पिंक को मिलाएं तो पीच बन जाता है। जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा अब्दुल वहाब, आप कुछ हमें मजे की बात बताने लगे। कलर मेरी फेवरेट कलर रेनबो, येलो, व्हाइट। येलो और व्हाइट नहीं, येलो और रेनबो। येलो और रेनबो। भाई बड़े मजे की हमने आज बातें की, थैंक यू सो मच। आज मैंने 2 नए फ्रेंड्स बनाए हैं, अब्दुल वहाब और अनाया, और इनसे आपकी मुलाकात मैं कराता रहूंगा। और आपने प्लीज हमारे राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे जाके हमें इनबॉक्स करना है कि जो अब्दुल वहाब के अब्बू के पास 6 लाख रुपए हैं उनसे अब्दुल वहाब क्या करे। आपने गाइड करना है, को मशवरे देने। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। हम चल करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगी रिबेका, और रिबेका हमारी लेकर आ रही है 4 मजे की खबरें। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं।